आज पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिए, आज मिलेंगे आप सब लोग किसी से, तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा, फिर देखिएगा मैं किससे मिला रही हूँ। और इतनी इतना मज़ा आया ना मिलके, इतना मज़ा आया, छोटे बच्चे तो इतने अच्छे लगते हैं ना, छोटे बच्चों को मन होता है खिलाते रहो। और इतनी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी बिटिया रानी थी कि बस बता नहीं सकती। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर से वॉच करिए। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो चादरें धोई थी, चादरें अंदर सुखाई थी, कपड़े बाहर सूख रहे थे, बालकनी में जगह कम है ना। तो चलिए आज बनाई है महाराष्ट्रियन डिश, जरूर से वॉच कर लीजिए। और नहा के आ गई हूँ, शावर ले लिया है मतलब कि, और डिश बना चुकी हूँ, डिश को वॉच करो, महाराष्ट्रियन डिश है, बहुत अच्छी डिश है। और ये मतलब आप इसको ना सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, और अगर आपको स्टफ़ करके खाना है पराठे में तो भी खा सकते हैं, और बहुत अच्छी डिश है। नाम है झुमका, झुमका। मेरी बेटी बोलेगी मम्मी झुमका नहीं होता है, झुमका मतलब न नहीं लगता है, बिंदी लगती है अंग की, तो हो जाता है झुमका। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने रात भर बैठ के रटा झुमका झुमका। हमने कहा नहीं तो फिर टोकेगी, जब वीडियो डालूंगी ना तो फिर टोकेगी, मम्मी ये क्या, फिर तुम झुमका झुमका करने लगी। मैंने कहा वैसे तो इस सब्जी का नाम झुमका होना चाहिए, है ना, सबसे बेस्ट है, बोलने में भी दिक्कत नहीं है, याद भी। और कौन कहेगा, मैं अभी शावर लेके आई हूँ, ये देखो पसीने देख रहे हो, फैन चल रहा है फिर भी। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, फटाफट रेसिपी को वॉच करते हैं। लेकिन उसके पहले, रेसिपी को वॉच करने से पहले, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आते हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, है ना। पूरा वीडियो देखते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, हमारी भी मेहनत लगती है ना, तो हमें भी लगता है हमने मेहनत करी, तो चलो भाई किसी ने देखी। और आ गई हूँ किचन में, इसी के साथ दिखा, देखिए ये मेरे पास बचा हुआ रखा है, देखते हैं आज मैं इसको पराठों में स्टफ करूंगी। तो आप सोचेंगे कि घी में ये क्या है, तो ये मैंने आलू को फ्राई किया है ना, तो ये उसी का घी है, मतलब उसी का तेल है ये। तो चलिए इसी में बनाते हैं। तो आप चाहे रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, चाहे आप कड़वा तेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी आप बनाना चाहें। इसमें डालेंगे हम जीरा, और साथ में ही डालेंगे हम सौंफ। इस सब्जी में जो है ना, ये खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छे से डाल दीजिएगा। तो साथ में ही डालेंगे हम राई, तो इसी के साथ में हम डालेंगे हींग। और हमेशा की तरह, जैसे जो लोग लहसुन खाते हैं वो लहसुन भी एड ऑन करें, जो नहीं खाते हैं वो ना करें। डालेंगे हरी मिर्च, और साथ में ही डाल दूंगी मैं प्याज। तो ये बिना प्याज के भी बन सकती है सब्जी, लेकिन प्याज से थोड़ा सा मतलब थिकनेस सी आ जाती है, एक बाइंडिंग मिल जाती है, तो इसीलिए मैंने प्याज को यूज किया है। गीता को आ रही है खांसी, गीता के साथ साथ मुझे भी आ रही है। प्याज को हल्का ही भुनेंगे पहले, और इसी में एड ऑन करेंगे हम जो है बेसन को। तो ये पूरा एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, पूरा एक कटोरी। अब इसको भी भून लेंगे। चलो जब तक ये भून भी रहा है, इसमें डालेंगे हम बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में यहाँ पे जाएगा हल्दी पाउडर, और साथ में ही जाएगा लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और साथ में ही जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, और जाएगा धनिया पाउडर।
अभी हम इसमें नमक भी एड ऑन करेंगे, तो हल्दी थोड़ी सी और ले लेती हूँ क्योंकि हल्दी से कलर आएगा। डाल देंगे इसमें हम नमक भी। देख रहे हैं ना कैसे खिला खिला सा हो गया बेसन अपना। बस क्योंकि अगर गुठली रह जाएगी भूनते समय तो फिर वो कच्चा कच्चा सा मुंह में आएगा, इसलिए भूनते समय गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब यहीं पे हम करेंगे गैस को थोड़ा और स्लो अपनी। गीता बना रही है सब्जी आलू बड़ी की, और मैं उसमें अपनी दादागिरी दिखा रही हूँ, तो कहती है हटिए आप, ये मैं बना रही हूँ, मेरी दादागिरी चलेगी, कहीं हमें बनाने दीजिए, हमें बनाने दीजिए। हाँ गीता एकदम होकर के बोलो जरा, गीता बोल दो। और गीता के पसीना नहीं आता है, देखो जरा गीता फेस दिखाओ, ये देखिए गीता के बिल्कुल पसीना नहीं आता यार। और ये देखो मेरा फेस देखो, देख रहे हो मेरा फेस देखो। और गीता को यार भगवान ने सारी दुश्मनी मेरे से ही निकालनी थी, मुझे कुकिंग का इतना शौक दिया और फिर जो है ना इतना पसीना क्यों दे दिया साथ में ही। चलो हम तो अपनी ये सब्जी को पहले चला लें अच्छे से, नहीं तो गीता के चक्कर में ना हमारी सब्जी हो जाएगी बेकार। अब जो लोग लहसुन खाते हैं ना इसमें लहसुन ऐड ऑन कर लीजिए आप। और वैसे तो ये ट्रेडिशनल तो देखिए ऐसे ही बनता है, मतलब लहसुन प्याज की बात अलग है, लेकिन बहुत से लोग अब आजकल इसमें शिमला मिर्च गाजर सब कुछ डालने लगे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हर चीज़ में सब कुछ घुसा देंगे तो उसकी अपनी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो जो चीज़ बना रहे हैं आप उसको उसी तरह से बनाएं, ट्रेडिशनल बनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब नाम भी समझ लीजिए, इसका नाम है झुमका, तो ये है महाराष्ट्रियन डिश और ये बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें आता है मेन काम अपना, तो मेन काम ये है अब इसमें डलता है पानी, लेकिन पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, ये पूरी सब्जी बिगाड़ देगी आपकी, है ना। इसमें पानी के क्या करेंगे हम छींटे देते जाएंगे। पानी को रख लीजिए एक बर्तन में, जैसे ये देखिए मैं रख रही हूँ ना एक बर्तन में अपने पास, ऐसे ही पानी रख लीजिए और फिर उसके छींटे देते जाइए और उसको चलाते जाइए लगातार। चलिए ऐसे छींटे दे दे के इसको हम करते रहिए। गैस को कर लीजिए आप स्लो अपने। तो देखा आपने, फिर इसमें ऐड ऑन करेंगे थोड़ा पानी, फिर इसको चलाएंगे। बस ऐसे छींटे दे देके हम करते जाएंगे। आप छींटे दे देके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी ये, एकदम से पानी डालेंगे तो ये चिपचिपी सी हो जाएगी, ये सब्जी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए।
आप लोगों में से कितने लोग महाराष्ट्रियन इस डिश को मेरी वॉच करेंगे मुझे जरूर से बताइएगा। और इस झुमका के साथ ना सादी रोटी नहीं चलती है, इसके साथ चलता है मोटा अन्न, मोटा अनाज, मोटे अनाज की रोटी, मतलब कि बाजरा है, ज्वार है, आप चना है, उसकी बनाइए आप भाकरी और फिर खाइए इसके साथ। मेरी देखिए कलछी में लग गया था ना पूरा। गैस को बहुत स्लो ही रखिएगा क्योंकि ये स्लो ही प्रोसीजर होगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगी नींबू का रस, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है और क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे डालूंगी नींबू का रस। गीता यहाँ पे हो रही है परेशान। गीता तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, पूछो हमसे। तो फिर कढ़िया चढ़ाओ इस तरफ, पानी पिला दो। ओ हरी धनिया हो तो हरी धनिया इसमें कर लीजिएगा। गीता हरी धनिया ला नहीं, ला के नहीं दे रही है, इसको कोई सब्जी वाला ही नहीं मिल रहा है दो दिन से। ये जब उतरती हैं आती जाती हैं तो सब्जी वाले चले गए होते हैं, देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी ये दानेदार होती जा रही है ना और खिली हुई भी है। बस इसीलिए पानी आपको एक साथ एड ऑन नहीं करना है। एक कटोरी बेसन में एक कटोरी पानी आपका लग जाएगा ऑलमोस्ट, आप ये समझ लीजिए। दूसरी तरफ चढ़ी हुई है हमारी आलू बड़ी की रसेदार सब्जी। तो ये देखो मेरा इतना सा पानी बचा है, तो ये भी हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। अब ये अगर आपको अभी खानी है ना तो ये कंप्लीट है, लेकिन आप इसको रख के खाने वाले हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करिए। बस ये हमारी बनके रेडी है एकदम, अब गैस को कर देंगे हम बंद। कैसा लगा हमारा झुमका, मैं तो इसको झुमका भी बोल देती हूँ, झुमका। मेरे बीच में ना सीटी जरूर टांगड़ आ रही है, बजो जल्दी, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बजो। अब ये मैं इसको झुमका भी बोलती हूँ, झुमका, जल्दी से सुन लीजिए आप लोग, नहीं तो सीटी बज जाएगी फिर सुनाई नहीं पड़ेगा। तो चलो गैस को कर देते हैं बंद। मम्मी एक से खाना बनाती है, सोचा वीडियो डालना, वीडियो मतलब इंसान कब तक नहीं पॉपुलर होगा, बस ये खोलो कुछ आता नहीं है। देख लो, पहचान लो भाई चांदनी को, जितने लोग मेरे घर के पुराने हैं वो जानते हैं। और ये देखो चांदनी की बेटी। हेलो। कैसा लगा जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और चांदनी से मिलके कैसा लगा, जो लोग मेरे सब रिलेशन में हैं वो तो सब जानते हैं। और मेरे को लग रहा है मेरी आईज़ में दिक्कत होएगी, मैं इसको खूब वॉश तो बहुत बार कर रही हूँ लेकिन दो तीन दिन से लग रहा है, बीच में पहले भी ऐसे ही लग रहा था, अभी फिर ऐसे ही लग रहा है।
तो चलिए अच्छा ठीक है, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते आ रहे हैं। पूरा पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिए, और जो है 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे, और धीरे धीरे मेरी फैमिली जो है ना ये फेसबुक पे भी बढ़ रही है, इंस्टा पे भी बढ़ रही है। इंस्टा पे भी लोग बहुत प्यार देते हैं लंच बॉक्स रेसिपीज़ के लिए, आइडियाज़ के लिए। तो यूट्यूब फैमिली आप भी थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए मुझे, है ना। तो चलो ठीक है, इसी के साथ करते हैं, बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।